मेरा नाम है विशाल और मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको एक ऐसी एपीएन सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि एयरटेल के लिए स्पेशली। वो एपीएन सेटिंग करने के बाद आपका इंटरनेट लाइफ टाइम स्लो नहीं होगा, यानी कि ये वाली एपीएन सेटिंग सिर्फ वो लोग करें जिन लोगों का एयरटेल सिम का इंटरनेट स्लो हो चुका है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल स्टेप बाय स्टेप में जो प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको फॉलो करनी है। फॉलो करके आपके स्मार्टफोन में वही प्रोसेस कर लेनी है आपको जो सिम स्लॉट में आपने इंसर्ट किया होगा एयरटेल सिम। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे यानी कि आपने फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट दी होंगी, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरीके की वीडियो आप हर रोज़ देख सको। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। हमें सिंपली क्या करना है, हमारे सेटिंग में चले जाना है इस तरीके से। देखिए आप सेटिंग में जाने के बाद जो नेटवर्क एंड इंटरनेट वाला ऑप्शन है इसमें चले जाइए। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क में जाइए। मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद जो ये एक्सेस पॉइंट नेम है यही चेंज करना है हमें। एक्सेस पॉइंट नेम इसे ही शॉर्टकट एपीएन बताते हैं, यानी कि एपीएन बोलते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इन एपीएन में से कोई भी एपीएन हमें सेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करना है। हमें एक न्यू एपीएन बनाना है, यानी कि आप समझ ही गए होंगे। न्यू एपीएन बनाने के बाद ही हम इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं, यानी कि ओल्ड वाले एपीएन से हम इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्लस वाला आइकन दिखाई देता हूँ, यहाँ से आप न्यू एपीएन बना सकते हैं। तो प्लस वाले आइकन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है आपके सामने। जो इन ये वाली सेटिंग्स दिखाई दे रही है आप सभी को, इनमें से जो जो सेटिंग्स चेंज करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, और सिंपली वही चेंज करें, ज़्यादा कुछ और चेंजेस ना करें, नहीं तो आपको इंटरनेट चलाने में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो नेम वाला ऑप्शन है, नेम वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, एयरटेल जो सिम यूज़ कर रहे हो आप, एयरटेल 4G कैपिटल इस तरीके से, एयरटेल 4G लगा तो आप स्पेस भी दे सकते हो, एयरटेल 4G करके ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद जो एपीएन है, एपीएन पे आप क्या करें, स्मॉल में एयरटेल GPRS.com, एक मिनट स्पेस ज़्यादा होगा, एयरटेल GPRS.com इस तरीके से करना है और ओके कर देना है। सेकंड वाला बताया मैंने एपीएन में क्या करना है आपको, एयरटेल GPRS.com। उसके बाद आता है हमारा यूज़र नेम, यूज़र नेम पे भी आप ज़्यादा कुछ चेंज ना करें। उसके बाद सर्वर पे आप चेंज कर सकते हैं, स्मॉल में www.google.com कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको जो MCC और MNC है इनमें कुछ चेंजेस ना करने हैं क्योंकि एरिया वाइज डिपेंड रहता है आपके। उसके बाद जो चेंज करना है आपको, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली APN टाइप चेंज करना है। APN टाइप में आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, बट आप ना करें तो भी अच्छा है, करें तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद आपको APN प्रोटोकॉल में IPv4 IPv6 कर लेना है। उसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल में IPv4 IPv6, इसमें भी वही वाली प्रोसेस कर लेनी है आपको। उसके बाद आता है बैरियर वाला ऑप्शन। बैरियर वाला ऑप्शन में क्या करना है आपको, अनस्पेसिफाइड से कैंसिल कर देना है इस तरीके से। और उसके बाद जो सेकंड नेटवर्क दिखाई दे रहा है आपको LTE, वहाँ से सेलेक्ट करते जाना है आपको नेटवर्क सारे। तो आपको एज तक नेटवर्क सेलेक्ट करने, हर कोई यही बताता है एज तक नेटवर्क सेलेक्ट करना, मैं भी मेरे हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि ये 4G वाले नेटवर्क है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एज तक नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है, हमें कोई भी जो सिग्नल स्ट्रेंथ हो, आप देखते हैं ऊपर कुछ सिग्नल स्ट्रेंथ भी नहीं है, कुछ ये भी नहीं, मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं कुछ भी नहीं, तो भी हम किस तरीके से इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वालों। उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये डिस्कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक ना करते हो, जो सेव वाला ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है इस तरीके से। बट फिर से एक बार आपको सेटिंग बता देता हूँ, नेम वाले ऑप्शन में एयरटेल 4G कर लो, उसके बाद ए कैपिटल रखो। उसके बाद APN पे APN की जगह एयरटेल GPRS.com करना है। उसके बाद सर्वर पे www.google.com करना है। उसके बाद जो है, उसके बाद APN प्रोटोकॉल पे IPv4 IPv6 कर लेना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे IPv4 IPv6 कर लेना है। उसके बाद बैरियर वाले ऑप्शन पे सारे अनस्पेसिफाइड से ले कैंसिल करके आपको LTE से एज तक सारे नेटवर्क सेलेक्ट करने और ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद ये 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये सेव कर लेनी है। ये सेटिंग सेव करके आपको सिंपली ये वाली सेलेक्ट करनी, मैं आपको लाइव सेलेक्ट करके बता देता हूँ। ओपन 1 मिनट, कुछ नॉइस आ रही साइड से, आप देख सकते होंगे मैंने एयरटेल 4G वाला नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप बैक चले जाइए और डायरेक्ट आपका यूट्यूब ओपन करके देखिए इस तरीके से। यूट्यूब ओपन करने के बाद आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से इंटरनेट स्पीड बढ़ चुकी है हमारी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया, सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, बट आप देख सकते हैं इंटरनेट स्पीड क्या है हमारी। लगा तो मेरा एक वीडियो स्टार्ट करके बता देता हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। ये देखिए आप लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ आपको, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखिए आप देख ही सकते होंगे, सब्सक्राइब करना,
आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया, ऐसी कोई बात नहीं। इंटरनेट स्पीड क्या दे देता है हमें, वो सिंपल इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका बताया था मैंने। एपीएन चेंज करके आप इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आपको सिंपली कम कितने कम सिग्नल स्ट्रेंथ में आपको कितनी स्ट्रांग मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही है। तो आज के वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देने वाला था किस तरीके से आप इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके। सो मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।